वक्त ने कई जख्म भर दिए, यादें भी अब कम चलती हैं, पर किताबों पर ढूंढ अपने से कहानियां कहां बदलती हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं तातारा और मामिरो आप सबके समक्ष अंडमान और निकोबार की बहुत ही प्रसिद्ध लोक कथा सुनाने जा रहे हैं। आज भी निकोबारियों का मत है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार दोनों पहले एक ही द्वीप हुआ करते थे, परंतु आज वे दोनों 96 किलोमीटर केवल मेरे और मामिरो की वजह से दूर हैं। सुप्रभात, मैं हूँ मामिरो। मैं लपाती गांव की रहने वाली हूँ और ततारा पासा गांव का। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि मैं और मामिरो पहली बार समुद्र किनारे मिले थे। उस दिन मामिरो बहुत ही मधुर गीत गा रही थी और समुद्र की ठंडी बहरें आ रही थी। चिड़ियों की सायकालीन चहचहाहट शने शने क्षीण हो रही थी। उस दिन पश्चात मैं और मामिरो रोज उसी समय समुद्र किनारे मिला करते थे। रीति अनुसार हम दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था, लेकिन थे हम लोग अलग अलग गांव के। लेकिन हम भी क्या कर सकते थे, हम भी एक इंसान है, हमें भी प्रेम होता है। इसलिए मुझे और ततारा हम दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और हम लोग रोज समुद्र के किनारे मिलते रहे और हम वही लपाती गांव के समुद्र के किनारे मिलते रहे। लेकिन मेरे को पता नहीं कैसे, लेकिन पर मेरे गांव वालों को हम दोनों के बारे में पता चल गया और वो तेज हवा से उन्होंने ये खबर पूरे गांव में फैला दी और वो फैलती ही रही। फिर कुछ समय बाद हमारे पासा गांव में एक पशु पर्व था। इस पशु पर्व में हर साल हिष्ट पुष्ट लोग आते हैं और वो हमेशा इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। ये वर्ष में केवल एक ही बार होता है और सारे गांव के लोग इस पर्व का हिस्सा होते हैं। शाम से ही सभी लोग पासा गांव में एकत्रित हो रहे थे, परंतु मेरा मन कार्यक्रम में तनिक भी ना लग रहा था। मेरी तो आंखें केवल ग्रामीणों को ढूंढने में व्याकुल हो रही थी। और तभी मैंने देखा कि कोई मुझे नारियल के पेड़ के झुंड के पीछे से झांक कर देख रहा था। मैंने थोड़े करीब जाकर जानने की चेष्टा करी तो पाया कि वहां मामिरो थी और वो मेरे समक्ष आने से झिझक रही थी। तारा को देखकर मैं जोर जोर से रोने लगा। बीतते शरण के साथ मेरी रोने की आवाज बढ़ती रही। मुझे रोता देख और मेरी आवाज को सुनकर वहां पे मेरी माँ प्रकट हो गई और उन्होंने मुझे और तारा को एक साथ देख लिया। हम दोनों को एक साथ देखकर उनकी क्रोध की सीमा नहीं रह सकी। मामिरो, दूर हटो उससे, तुम्हें समझ है कि नहीं? राह चलते किसी भी आदमी को तुम गले लगा लोगे, वो भी सबके सामने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें यह हरकत करते हुए। ये हमारे गांव वाले के तो संस्कार नहीं है, पता नहीं इनके माता पिता इन्हें क्या सिखाते हैं। एकदम सच कहा बहन जी आपने, अपना नहीं तो कम से कम अपने माता पिता का तो सोचना चाहिए था। आजकल के बच्चे ना एकदम बिगड़ गए। देखिए, सबके सामने गले मिल रहे हैं। सच में ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। सुन लो, देखो क्या लोग कह रहे हैं तुम्हारे बारे और मेरे बारे में। ये केवल ना तुम्हारी घिनौनी हरकत की वजह से हुआ है। शर्म आनी चाहिए। और कुछ रह गया सुनाने के लिए? आज तुमने ना मेरी और हमारे पूरे परिवार की नाक कटवाई है मामिरो, याद रखने। गांव के सभी लोग मेरा विरोध कर रहे थे। आज तक जो मुझे बड़ा मानते थे, मेरी इज्जत करते थे, आज वही मुझसे नफरत कर रहे थे। और ये सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से में मेरा हाथ तलवार के मुख पर जा टिका और मैंने तलवार निकाल ली और कुछ सोचने लगा। ततारा अपनी तलवार खींचते हुए बहुत दूर तक चला गया। मैं ततारा ततारा बोलती रही, लेकिन वो परंतु मेरी बात न सुना और वो
इतना ज्यादा क्रोध में खींच रहा था कि वो हाफने भी लग गया था। और वो उसने इतना क्रोध में खींचता गया कि जहां तक लकीर खींचती गई वहां तक वो खींचा और धरती के दो हिस्से हो गए। मुझे और मेरे गांव वालों को ये देखकर बड़ी घबराहट होने लग गई कि एक ही धरती एक दो हिस्सों में बट गई। द्वीप की अंतिम सिरे तक तारा धरती को खींचता जा रहा था और धरती कटती जा रही थी दो हिस्सों में, और व्याकुल लोगों ने तारा की कल्पना करना शुरू कर दिया था। किसी भी गांव वाले को नहीं पता कि मैं और मामी लोग कहां लुप्त हो गए, परंतु इस त्याग और घटना के पश्चात गांव वालों की नीतियां जरूर बदल गई। अब लपाते और पासा गांव आपस में संबंध बनाने लगे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी और ततारा की ये कहानी पसंद आई। धन्यवाद।